देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SGN News, मैं हूं सैयद तहसीन अली। पूर्णिया विश्वविद्यालय में छात्र और प्रशासन की लड़ाई को 96 घंटे बीत गए हैं, इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में पूर्णिया छात्र संघ के सदस्यों के साथ साथ शिक्षक संघ भी अब साथ आ गए हैं और एक दिवसीय धरने पर उनके साथ बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का मूल्यांकन फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के साथ साथ BN मंडल विश्वविद्यालय का भी मूल्यांकन होना है। ऐसे में सत्र के नियमितीकरण को लेकर दोनों ही विश्वविद्यालय के बीच में जो है आपसी लड़ाई, वो छात्रों को आहत कर रही है। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का मानना है कि मूल्यांकन अगर पूर्णिया कॉलेज में होगा तो इससे कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, जबकि पिछले सत्र में इसी विश्वविद्यालय में जब मूल्यांकन के लिए कॉपी को BN मंडल विश्वविद्यालय भेजा गया था तो वहां पर काफ़ी गड़बड़ी आई थी और 60% छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हो गए थे। ऐसे में जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ हैं, उनका कहना है कि जो भी परीक्षाएँ पूर्णिया विश्वविद्यालय में ली गई है उनकी कॉपी यहीं पर जाँच हो, और यही मांग को लेकर छात्र संघ भी पिछले 96 घंटों से लगा हुआ था। ऐसे में समर्थन के साथ ही छात्रों का जो है मनोबल बढ़ गया है। कॉपी मूल्यांकन 2017-18 का चल रहा है, उसी संबंध में प्रोफेसर साहब से कल भी मिला था और आज भी हम लोग डेलीगेशन के साथ मिले, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई है। BN मंडल के जो कंट्रोलर हैं वो भी दोषारोपण कर रहे हैं कि मेरा 2 करोड़ से ऊपर रुपया यहाँ बाकी है, और इनका कहना है कि मेरा 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है BNMU के यहाँ बाकी है। तो ये रुपये के लेन देन का जो टकरार चल रहा है, उसके चलते छात्रों का भविष्य बिल्कुल अधर में लटका हुआ है, और हम जैसे भूखे शिक्षकों का जो पारिश्रमिक होना चाहिए उससे भी हम लोग वंचित होते जा रहे हैं। चूँकि यहाँ पर कॉलेज ये कॉपी जो है BNMU को लौटाने की बात हो रही है, कल तक चिट्ठी नहीं आई थी, लेकिन अब मैं देखने को मिल रहा है कि वो चिट्ठी यहाँ पहुँच गई है। तो ऐसे में हम लोग यह चाहेंगे कि कॉपी का मूल्यांकन पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ही किसी कॉलेज को सेंटर बना करके करवाया जाए और यहाँ के शिक्षकों को ही परीक्षक बना करके उससे मूल्यांकन करवाया जाए, जो हमारा हक भी बनता है। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों यूनिवर्सिटी के बीच जो द्वंद्व चल रहा है अगर बरकरार रहेगा, तो बीच में हम लोग जो है कॉपी को यहाँ से जाने नहीं देंगे और आगे के जो कार्यक्रम हैं BNMU के, उसको हम लोग बाधित करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। चाहे वह परीक्षा का संचालन हो, चाहे वह कॉपी का मूल्यांकन हो, जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे प्रायोगिक परीक्षाएं हो, सबको हम लोग बाधित करेंगे। और अभी भी विभिन्न कॉलेजों में जो डंप पड़ा हुआ है उस कॉपी को उठने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और हम अपने साथियों के साथ भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे कि उनको जो आमदनी होती है, चूँकि वेतन नहीं मिलता है और इसी से थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो इसको हम लोग इस अवसर को जाया नहीं होने देंगे। और हमारे प्रोफेसर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी भावनाओं को वहाँ BNMU तक पहुँचाने का काम करूँगा, और मैं इस बात को मैं भी समझ रहा हूं कि कॉपी का मूल्यांकन यहां होना चाहिए और आप लोगों के द्वारा ही मूल्यांकन करवाया जाना चाहिए, लेकिन इस तकरार के कारण नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। अच्छा, यहां जो छात्र लगातार पिछले 96 घंटों से आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में आप उन छात्रों का समर्थन भी कल किए थे, आज वो छात्र आपके साथ हैं? बिल्कुल, हम लोग उनका भी समर्थन करते हैं, क्योंकि BNMU में जाने के बाद वहाँ पर ठीक ढंग से मूल्यांकन हो नहीं पाता है। पिछला जो थर्ड पार्ट का मूल्यांकन वहाँ केंद्र बना करके पूरे यूनिवर्सिटी का किया गया था BNMU में, वहाँ पर से 60% छात्रों के साथ जो है वहाँ पर उसके रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी अनियमितता पाई गई है। और हम लोग यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा काम करते हैं, क्योंकि हमारे छात्र हैं, उस तरह से हम लोग उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और आगे भी करते रहेंगे। आंदोलन पिछले 96 घंटों से लगातार चल रहा है, तो पिछले दिन हमारे सर से बात हुई और सारे सर ने हमारे आंदोलन को समर्थन प्रदान किया, इसलिए सभी सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह हम लोग आम छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं विश्वविद्यालय में, सर लोग भी आम छात्रों के लिए ही आवाज़ उठाने आए हैं और हमारे आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। मूल्यांकन ही आपका अहम मुद्दा है? बिल्कुल, ये हमारा मूल्यांकन हमारे मांगों का एक अहम मुद्दा था, जिसका समर्थन सर लोगों ने हमारे इस मांग के साथ किया।